नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एंथ्रेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेबेप्रोजोल एंड डोमपेरिडोन, इन दोनों दवा के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये जो रेबेप्रोजोल है और डोमपेरिडोन है, ये दोनों अलग अलग केमिकल सॉल्ट है ड्रग्स के, जिसमें एक कैप्सूल में दोनों दवा प्रेजेंट होने के साथ में दोनों मिलकर अपना इफेक्ट शो करती है अपनी बॉडी में। अब बात कर लेते हैं दोनों क्या काम करती है। दोस्तों ये जो रेबेप्रोजोल होता है, ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग होती है। मतलब ये जो अपने जो पेट में या फिर स्टोमक में जो एसिड सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके जब एक्सेसिव एसिड सीक्रेट होने लग जाता है अपने पेट में, ज़्यादा एसिड सीक्रेट होने लग जाता है, तो अपने खट्टी डकार, गैस आना या फिर कुछ बीमारी होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गई या फिर GERD होती है जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं, ऐसी कुछ सारी समस्याएं देखी जा सकती है जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने अमाउंट से ज़्यादा बढ़ने लग जाए पेट में। तो उस कंडीशन में ये रेबेप्रोजोल दवा दी जाती है ताकि ये जो HCl बढ़े हुए को कम करती है, जो HCl सीक्रेट होता है अपने स्टोमक में उसके अमाउंट को डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है सीक्रेट होने से। तो इस प्रकार से ये इन सारी जो बीमारी है, पेप्टिक अल्सर हो गई, खट्टी डकार आना हो गई या फिर गैस बनना हो गया पेट में, इन सारे जो बीमारी है इन सभी से छुटकारा दिलाती है रेबेप्रोजोल। इसी प्रकार जो डोमपेरिडोन होती है, वो जल्दी जल्दी अपने पेट में पड़े हुए जो भी आइटम है, प्रोडक्ट जो भी पड़ा है, खाना खाया हुआ जो पेट में पड़ा है, उसको जल्दी जल्दी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ सरकाती है ताकि उल्टी आना या फिर वोमिटिंग आने के चांसेस कम हो जाए। तो इसलिए ये रेबेप्रोजोल और डोमपेरिडोन दोनों दवा अपने साथ साथ में काम करती है। दोस्तों बात कर लेते हैं दुष्प्रभाव के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में। ज़्यादा तो देखे जाते हैं नहीं, लेकिन कभी कभार ड्राई माउथ मतलब मुंह सूखा सूखा देखा जा सकता है। इसके अलावा डायरिया, दस्त लग सकते हैं और या फिर ड्राई आईज हो सकती है, और या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल जाता है इसके दुष्प्रभावों में। दोस्तों जो भी पेशेंट है या फिर जो पर्सन है जिसके लीवर की डिजीज चल रही हो, लीवर की बीमारी हो या फिर रीनल मतलब किडनी फेलियर की शिकायत हो, कोई लेडीज है वो प्रेगनेंसी में हो या फिर लैक्टेटिंग हो मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर हो, तो उनको दवा हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें और प्रिकॉशंस के साथ में लें, हमेशा सावधानी से दवा को यूज में लें। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, दवा अपन यूज में लेते हैं और लेते ही अपनी बॉडी में रेड रेड स्पॉट्स या फिर स्किन रेशेज, इचिंग चलने लग जाती है बहुत ज़्यादा, या फिर स्वेटिंग आने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, आँखों से पानी बहने लगता है, स्नीजिंग, बार बार छींकें आने लग जाती है। तो हो सकता है ये जो दवा है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रही हो, तो इस कंडीशन में आपको ये जो दवा है तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी है, आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर करें। अगर ऐसा नहीं करते तो ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज करके सीरियस कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा दवा को डॉक्टर के परामर्श से ही लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।